मतलब जो एक्चुअल में जो रिस्पेक्ट रहना चाहिए टूरिज्म के लिए वो कुछ नहीं है, 0%। ये है उज्जैन का मार्केट गाइस। होटल का स्कैम हुआ हम लोग के साथ, फिर प्रसाद का स्कैम हुआ, फिर कैमरा का स्कैम हुआ, कंट्रोल रूम में लेके गए नाचो। ये जो मैप पर जो रूट है ना तो फॉलो बिल्कुल ना करो, ठीक है? कारण त्याच्यामध्ये ना त्या लोकांनी जुना रस्ता दाखवला आणि त्या जुन्या रस्त्याच्या नादामध्ये ना जवळजवळ आम्ही 300 किलोमीटर असेच फिरले। सो ऑल राइट, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उज्जैन। ये है इन लोगों का बेड ऐसा है, और बाकी कपड़ा कपड़ा तो ऐसे ही गिरा है। और इन लोग का बाथरूम देखो, देखो ये 1000 रुपये दिया। और ये देखो नहाने के लिए ये यूज़ किया हम लोग ने ये। और बाकी और क्या चीज़ का, टीवी देखो, टीवी तो छोड़ ही दो उसका। और ये देखो ऊपर कलर विलर कैसा क्या ये है वो। और ये होटल का मैं नाम भी बताऊंगा बाहर जाके कौन सा नाम है। और इधर हर एक होटल में हम लोग ने देखा ना सब ऐसे ही है, सिर्फ भगवान के नाम के ऊपर इन लोग सब सिर्फ स्कैम ही कर रहे हैं। मतलब जो एक्चुअल में जो रिस्पेक्ट रहना चाहिए टूरिज्म के लिए वो कुछ नहीं है, 0% है, जीरो है। सो जाने दो, अभी मैं सब आगे जैसे जैसे अभी मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। राइट नाउ इट्स 10:30 इन द मॉर्निंग, तो संडे। तो अभी आज हम लोग कितना नर्मदा रिवर और उज्जैन जितना जितना प्लेसेस कवर हो सकता है हम लोग सब कवर करेंगे। और बाकी तो उसके पहले है गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग, आई होप सब लोग बढ़िया रहेंगे, मस्त रहे, बहुत मस्त है सब, मस्त चालू था राइड के टाइम, पर रात में जो रात खराब हो गया है बाकी कुछ नहीं। हम लोग को आदमी लोग से लेन देन नहीं ना, किससे लेन देन नहीं ना कुछ नहीं। उन लोग का कैसा बिहेवियर है, उन लोग कैसा इतना पैसा खा रही है, सब हम लोग को उससे कुछ लेन देन। हम लोग को सिर्फ दर्शन करने का, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। पर जो भी चीज़ें मैं जो भी ऑनेस्टली जो भी चीज़ें उज्जैन की सब बता दूंगा, पर जैसा मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ जैसे मैं मेरे आवाज़ के थ्रू में आप लोगों को भी बताऊंगा। हम लोग भी मतलब वो हमारे एक्सपीरियंस लेके समझो कि आगे इधर कैसा आने का है, क्या करने का है। एग्जैक्टली, इफ आप इधर उज्जैन आप भगवान के लिए आ रहे भी हो ना तो एक काम करो, पूर रोको और इधर अच्छा खासा होटल लो, तो आपको नहीं बोल के 1500 में अच्छा सा अच्छा होटल मिलेगा 24 आवर्स। और इधर आओगे 1000 रुपये डालोगे तो ऐसा रूम मिलेगा, पैसा देके मतलब नहीं, उससे अच्छा मैं 800 रुपये में टेंट लेके मैं किधर तो जंगल में जाके रह लूँ, और क्या, सिंपल एज दैट। अभी तो हो गया सब, कपड़ा बड़ा शूज वूज भी पहना और ये भी भाई सेट हो गया, लेट्स गो। हर हर महादेव। ये है अपनी गाड़ी, सब सही है, सिर्फ ये लाइट टूटा और इधर का भी लाइट टूटा, बट ठीक है। और ये होटल, अभी देखते हैं जाते, पहला कुछ तो खाते हैं, नाश्ता करते, और नाश्ता करने के बाद पहला दर्शन करते, और फिर पहला दर्शन होने के बाद फिर इधर से निकलते, इधर रुकने का ही नहीं है। ये है उज्जैन का मार्केट गाइस। तो गाइस दर्शन हो चुका है अच्छा खासा, बहुत बड़ी कहानी है वो, मैं आपको जब मैं अभी जिधर स्टे करने जाऊंगा ना उधर पूरी कहानी बता दूंगा, क्या हुआ, कौन सा स्कैम हुआ, होटल का स्कैम हुआ हम लोग के साथ, फिर प्रसाद का स्कैम हुआ, फिर कैमरा का स्कैम हुआ, कंट्रोल रूम में लेके गए, फिर बहुत सारी चीज़ें की पसंद नहीं आई। मतलब भगवान के नाम पर इन लोगों ने सिर्फ पैसा ले रहे और कुछ नहीं। सो गाइस ये है दाल वड़ा, सॉरी आलू वड़ा। मध्य प्रदेश में इन लोग सिर्फ वड़ा को आलू वड़ा कहते हैं, और इधर पाव तो मिलता ही नहीं है, तो किसको बेकरी डालना रहेगा तो मध्य प्रदेश में डाल दो बेकरी, बहुत प्रॉफिट में रहेगा।
मेरे को डाल के देगा बेकरी कंफर्म तू चाहिए मैं बेकरी चला डन डील डन अभी मैं भी यूट्यूब का व्लॉगिंग छोड़ता हूँ और तू भी यार मेरे साथ हाँ पाव दबाने कोई तो चल रही है ना सो आई जस्ट किडिंग अभी 4:49 हो रहा है सो अभी इधर से हम लोग ने अभी 100 किलोमीटर कवर किया अभी 100 किलोमीटर हम लोग ओमकारेश्वर और नर्मदा रिवर रुकने वाले इफ हम लोग 6 बजे पहुँचे तो हम लोग शूट करेंगे क्योंकि हम लोग को सनसेट मिलेगा तो अच्छा मिलेगा अच्छा रहेगा शूट करने तो इफ नहीं होएगा तो हम लोग को नेक्स्ट डे एक्सटेंड करना पड़ेगा मॉर्निंग 5 बजे उठ के हम लोग को नर्मदा रिवर जाना पड़ेगा फिर सनराइज़ के लिए वेट करना पड़ेगा फिर शूट वूट करके फिर बैक टू बॉम्बे ऐसा करना पड़ेगा तो देखते नाचो एक मिनट अभी सुनो बंद क्या लगता है बस हाँ अभी हम लोग फोटो वीटो खींचेंगे रील्स वील शूट करेंगे तो ये सब चीज़ मालूम है आपको कहाँ देखने मिलेगा इंस्टाग्राम पे जाके आईडी देख लो इंस्टाग्राम पे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दिया है himanshu@more.10 स्क्रीन पे भी आ जाएगा सो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो और अपडेट्स आते रहेंगे और आगे के प्लान्स भी होते रहेंगे सो गाइस सभी में गाइस पहुंच गया हूँ नर्मदा रिवर के पास सभी सीन ऐसा है कि मतलब हम लोग जो ट्रैवल किया ना हम लोग लिटरली जाना पूरा फंस गए थे पहली तो गोष्ट अशी है ना तुम आपल्याला जो उज्जैनला जायचं आहे ना त्याच्या मॅप वरती जो रूट आहे ना तो फॉलो बिलकुल नका करू ठीक आहे कारण त्याच्यामध्ये ना त्या लोकांनी जुना रस्ता दाखवला आणि त्या जुना रस्त्याच्या नादामध्ये ना जवळजवळ आम्ही 300 किलोमीटर असेच फिरलोय ठीक आहे ना 300 किलोमीटर झाले असतील आपल्या आरामात आणि त्या 300 किलोमीटर मध्ये आपण 275 किलोमीटर हम लोग एक्स्ट्रा घूमे और जो प्लेस पे हम लोग घूमे ना वो बहुत हिस्टोरिकल प्लेस था वो आपको आगे की कहानी मेरा दोस्त बताएगा दोस्त चालू किया जाए मराठी अपनी ऑडियंस मराठी भी है हाँ तर मग असं झालं की आम्ही तिकडनं निघालो आणि तिकडनं मग निघाल्यानंतर ना आम्हाला गुगल मॅपने खूप जुन्या रस्त्याकडे नेलं ज्याला की त्या लोकांनी खूप आधीपासून मेन्शन केलं आणि तो रस्ता जंगलातून जातो तर ठीक आहे त्या जंगलामध्ये जेव्हा राम आणि सीताचं तुम्हाला माहिती असेल तर 14 वर्षाचा राम आणि वनवास तुम्हाला राम आणि सीताची जर स्टोरी माहिती असेल जर तुम्ही ग्रंथ वगैरे वाचले असतील जर तुम्हाला रामायण माहिती असेल तर तुम्हाला हे माहिती असेल की रामाने 14 वर्षाचा वनवास केला होता ठीक आहे तर त्याच्यानंतर सीताला एका सीता आणि विभीषण एका जंगलामध्ये आले होते तर त्याच्यानंतर सीता ज्या जंगलामध्ये होती ना तर त्या जंगलाचं नाव होतं की सीतावन त्याला नाव पडलं तर सीतावनमध्ये लिटरली आम्ही ना रस्ते सगळे कच्चे होते आमचा नेटवर्क पूर्ण लिटरली गेलं होतं जिओचं त्याच्यानंतर आम्ही विचार केला की चल जाऊया रस्ता असेल तर रस्ता बघता पूर्ण एवढे कच्चे रस्ते आले की असं वाटतं आम्ही पहाडच चालायला लागलोय पण त्यानंतर एक वाईब्स आले असे की आतून की आता हे खूप होत आहे आपल्याला रिटर्न जावंच लागणार कारण ह्याच्या पुढे आपण नाही जाऊ शकणार मेरा मैं घर से सोच के आया था कि मेरे को नर्मदा रिवर करना ही है सो बेसिकली हम लोग डायरेक्ट नर्मदा रिवर के 1 किलोमीटर के पहले हम लोग हॉल्ट लेते मैंने मॉम को बता दिया सब मैं मॉम वाज लाइक कि नहीं तू रुक मैम मेरी मॉम ऑब्वियसली सबकी मॉम है जो आवाज़ से भी पहचान जाती कि बेटा कितना थक गया तो मैम वाज लाइक कि तू ओमकारेश्वर भी कर तू आराम से होल्ड ले सब कुछ कर बट थक गया रुक जा और मैं रुकता किधर हूँ मैं जो सोचा था वह उधर ही रुकता हूँ ऐसा नहीं कि पहले के टाइम पे उज्जैन बहुत प्यारा था बहुत लिटरली बहुत प्यारा प्यारी नगरी है ब्रो उज्जैन ऑब्वियसली दुनिया में हर एक कोने में शंकर भगवान के बहुत भक्त हैं बट जो तरीके से हम लोग दोनों ने सोचा था उज्जैन एक्सपेक्टेशन फॉर एग्जाम्पल अपन एक कौन से ट्रैवल प्लान के लिए करते ट्रैवल प्लान करते तो अपन के एक्सपेक्टेशन रहते कि अपन वो जगह पे जाएंगे तो अपन ये चीज़ करेंगे वो चीज़ करेंगे बट उसका बहुत अपोजिट हो गया उधर के लोग है ना लिटरली है ना होटल बुक करने जा रहे उसमें से हम लोग को पैसा काट रहे फिर हम लोग हार ले रहे फिर उसमें से पैसा काट रहे पहले हम लोग को बोलते 5 रुपये का हार है
फिर बोल बाद में हम लोग को 150 रुपीज़ का प्रसाद देते हैं। अपन पैसा दे रहे, चलो अपन 800 रुपया 900 रुपया कुछ भी दे रहे ना, तो अपने को एक्सपेक्टेशन रहता है कि हाँ मेरे को वैसा वैसा तो चाहिए, एटलीस्ट मेरे को सोने मिलेगा, इट्स ओके। बट अपन थके हुए, एटलीस्ट अपने को गर्म पानी, वॉशरूम के लिए अच्छा प्लेस, मतलब सब एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो नॉर्मल चीज़ है, मतलब जो जो आदमी लोग को नीड्स रहती है वो तो एटलीस्ट रहना चाहिए, बट उसमें से कुछ भी नहीं था। मध्य प्रदेश का लिटरली मैं एक्सपेक्टेशन जो रखा था कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। तो कल मंडे यस ओंकारेश्वर और नर्मदा रिवर हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो ये सीरीज एक भी स्किप नहीं करने का, स्किप नहीं करने का, और सब सीरीज देखने का। कौन सा पार्ट अच्छा लगा होगा ना तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना एक्शन ब्लॉग्स। सो मिलते आपको अभी, तो हम लोग, मैंने तो यही हुडी पहना, मैंने तो 2 टी शर्ट कैरी किया था, तो मैं एक टी शर्ट जर्सी पहना था और ये और एक मैंने सदरा भी कैरी किया था। सो अभी ये हुडी पहना है और नेक्स्ट डे भी मैं यही पहनने वाला हूँ, ऑनेस्टली बोलूँ तो यही पहनने वाला हूँ। ऑप्शन नहीं, ऐसा नहीं था कि अपन डे एक्सटेंड करने वाले हैं क्या कुछ, अपन कैसा रहता है ट्रैवलिंग प्लान्स में, ऐसा नहीं रहता कि अपन प्री प्लान किया है और प्लान के टाइम पे अपन कि हाँ ये होने वाला है, पर वैसा नहीं होता है, उसका अपोजिट होता है हर टाइम। कितना भी प्लान करो उसका अपोजिट होता है, कभी डे एक्सटेंड होता है, कभी वो प्लान के वाइज नहीं होता है, जैसे अपन ने प्लान किया वैसा नहीं होता है, बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टीज आते ही रहते हैं। कितना बजा है, 12 बजा है अभी, हम लोग आईज पूरा रेड हो गए, अभी हम लोग सोने वाले हैं, अभी सो के हम लोग डायरेक्ट मॉर्निंग में 5:30 को उठेंगे। तो ये वीडियो मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, और अगले वाला वीडियो नर्मदा रिवर और ओंकारेश्वर पे रहेगा, तो ज़रूर देखना। और पहले वाले वीडियोज है ना, जाके पहला देखो यार गाइस क्या कर रहे हो। तो यही वीडियो इधर एंड करते, टिल देन बी सेफ बी हेल्दी, पीस आउट।